हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है आज की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCOE 142। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी PDF में जस्ट थ्योरी पार्ट लिया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इतनी थ्योरी नहीं है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। इसी वजह से लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उन्होंने उसमें न्यूमेरिकल्स को कंपलसरी किया था। कंपलसरी इसलिए किया था क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट कम है, तो आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। जहाँ तक बात है थ्योरी की, तो थ्योरी तो मैं अपनी वीडियोस से करा दूंगा, और न्यूमेरिकल्स की बात है तो न्यूमेरिकल्स का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी के मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका एग्जाम है उसमें आने के चांसेस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव और नेचर क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज, जिसे हम स्कोप भी बोल सकते हैं या रोल बोल सकते हैं। अगर तीनों मतलब कोई भी टर्म आ जाती है, एडवांटेज, स्कोप या रोल, तो इसका आंसर एक ही होने वाला है, किसके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। पहले मीनिंग देखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। जैसा कि आप समझ रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कि जो फर्म होती है, बिजनेस होती है, उसमें किसी भी चीज़ों को, जो चीज़ें उनको मैनेज करना, मैनेज करने के बाद उसकी अकाउंटिंग करना, माइंड में ऐसा कुछ आ रहा होगा। चलो समझते हैं इसको डीपली। द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का एक ऐसा हिस्सा दैट हेल्प्स मैनेजर, किसको हेल्प करता है, मैनेजर को। किस में हेल्प करता है, इन मेकिंग डिसीजन, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजर को। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, किससे प्रोवाइड करके, क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब कि ये अकाउंटिंग का वो पार्ट है जो मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, और क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो पहला ऑब्जेक्टिव है यूजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। दूसरा है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जब मैनेजर को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो क्या करेगा, प्लानिंग करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तीसरा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग तो होगा ही होगा, इससे क्या होता है कि अच्छे निर्णय कंपनी ले सकती है। चौथा है मोटिवेटिंग, मोटिवेट किसको करती है, मैनेजर्स को भी करती है, एम्प्लॉयज़ को भी करती है, कि जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करोगे आप तो जितना भी आपकी कंपनी में जो कुछ भी काम हो रहा है वो सबका डाटा आपके पास रहेगा कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, कहाँ पर कितना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और कहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो पूरा मोटिवेशन भी रहता है। कंट्रोलिंग, जब आप कोई चीज़ की अकाउंटिंग करोगे, जब किसी को अच्छे से देखोगे, ठीक है, किसी के बारे में अच्छे से जब आप उसकी नॉलेज लोगे, लाइक आप कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे से देख रहे हो, तो उससे कंट्रोलिंग रहेगा कि लोग ज़्यादा टाइम पास नहीं कर पाएंगे। जो लेजर टाइम होता है जिसमें लोग आलस्य मतलब कि काम नहीं करते हैं, वो टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, कंपनी के जो प्रोडक्शन है उसके लिए वर्क करेंगे। सिक्स्थ है रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसका काम करती है, रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग क्या, कि आपने इतना सामान दिया था, इतना काम दिया था, ये पूरा हो चुका है और इस तरीके से हुआ है, तो रिपोर्टिंग भी करती है। और हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है किसके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहला है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्या करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा है कंसर्न विद फ्यूचर, फ्यूचर को लेकर कंसर्न रहता है। तीसरा है कॉजेस एंड इफेक्ट एनालिसिस, कौन कौन से कॉज हैं, क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में या कंपनी के अंदर, उसका एनालाइज करके देता है। प्रोवाइड डाटा, डाटा प्रोवाइड करता है। कंट्रोल्स मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। इवेल्युएट पॉलिसीज इफेक्टिवनेस, पॉलिसी जो बनाई है वो इफेक्टिव है कि नहीं है उसको इवेल्युएट करता है। हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और यही सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंस या एडवांटेज या स्कोप या रोल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यही आपका नेचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और ये सारे पॉइंट किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं, एडवांटेज के लिए, स्कोप या रोल, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो अलग से पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। अगर आपका नेचर आता है तो आप ये पॉइंट लिख देना, एडवांटेज आते हैं तब भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, और अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो आपके ऊपर पॉइंट दिए गए, यूजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही सारी चीज़ें हैं जो आपके नेचर में है उसको
थोड़ा सा अलग करके ऊपर दर्शा दिया गया है। तो आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूँ तो उसमें पहला पॉइंट है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। दो टर्म्स है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, इनके फीचर्स क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, आंसर की बात करूँ तो कॉस्ट कंट्रोल फोकसेस ऑन डिक्रीजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल कॉस्ट रिडक्शन फोकस ऑन डिक्रीजिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट कंट्रोल क्या करता है, फोकस करता है किस पर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करने में, मतलब प्रोडक्शन की जो टोटल कॉस्ट है उसको डिक्रीज करने में फोकस करता है कौन, कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट रिडक्शन किस पे फोकस करता है, एक यूनिट, मतलब जैसे मान लो कि एक कंपनी में 1000 बोतल बन रही है, किसकी, वाटर बोतल। अब 1000 बोतल पे खर्चा आ रहा है 10 लाख रुपए, ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल क्या करेगा, 10 लाख रुपए को कम करके 8 या 9 लाख कर दिया जाए। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हो। और वहीं पे 1000 बोतल को बनाने में 10 लाख आ रहा है, मतलब कि एक बोतल को बनाने में कितना आ रहा है, 100 रुपए खर्चा रहा है। ठीक है, तो जो एक बोतल का 100 रुपए खर्चा है, तो कॉस्ट, जो कॉस्ट रिडक्शन है वो क्या करता है कि एक बोतल का 100 रुपए है तो उसको कम करके 80 या 90 रुपए कर दिया जाए। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या करता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, डिक्रीज करने में। और कॉस्ट रिडक्शन किस पे फोकस करता है, पर यूनिट कॉस्ट को डिक्रीज करने में। अगर आपको इसको डीपली समझना है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की 2 वीडियोस पढ़िए मेरे इस चैनल पे, यूनिट 1 यूनिट 2, तो आप उनको जाके देख लेना, ठीक है, तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आपको इनके बारे में और इनके जो डिफरेंसेस उनके बारे में। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल के फीचर्स क्या हैं। तो पहला है, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट एंड स्टैंडर्ड। कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है किसमें, टारगेट्स सेट करने में और स्टैंडर्ड्स को सेट करने में। जैसे मान लो कि आप किसी भी प्रोडक्शन का टारगेट करने वाले हो कि इतनी बोतल्स मुझे इतने पैसे बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसी हिसाब से कॉस्ट को कंट्रोल करते जाओगे। तो कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व रहता है किसमें, कोई टारगेट सेट करने में और स्टैंडर्ड्स को सेट करने में। दूसरा है, इट एम्स एट अचीविंग द स्टैंडर्ड्स। इसका एम रहता है कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है कि इतने तक मुझे ये प्रोडक्शन करना है, उसको अचीव करने में, मतलब ये बहुत इसका एम रहता है कि उसको अचीव किया जाए। तीसरा है, इन कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट आर ऑप्टिमाइज्ड बिफोर दे आर इनकर्ड। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर ली जाती है जब उनके, मतलब कॉस्ट इनकर्ड होने से पहले, मतलब कि कॉस्ट अभी हुई नहीं है, उससे पहले इसको क्या कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इतनी कॉस्ट लगने वाली है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। इट इज़ जनरली एप्लीकेबल टू आइटम्स विच हैव स्टैंडर्ड। ये उन आइटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। इट कंटेंस गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव मैनेजमेंट सच एज हाउ टू डू अ थिंग। और ये क्या करता है, कंटेन करता है क्या, गाइडलाइंस और डायरेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब इसकी गाइडलाइंस होती हैं कि किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को कैसे करना है। तो ये हो गए इसके फीचर्स, ये हो गए इसके कॉस्ट कंट्रोल के फीचर्स। अब बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन के फीचर्स। तो पहला है, कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट कंसर्न्ड विद सेटिंग टारगेट एंड स्टैंडर्ड। कॉस्ट रिडक्शन में टारगेट सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करने से कोई मतलब नहीं होता। कॉस्ट रिडक्शन एम सेट इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट रिडक्शन का भी एम होता है कि जो स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। और उसका क्या था, कॉस्ट कंट्रोल का, कि उसको अचीव किया जाए, इसका क्या है कि इम्प्रूव किया जाए, ध्यान रखना। तीसरा है, इट इज कंटिन्यूअस डायनामिक एंड इनोवेटिव इन नेचर। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनेमिक है और इनोवेटिव है नेचर में, ठीक है, ये बंद नहीं होता। लुकिंग ऑलवेज फॉर मेजर्स एंड अल्टरनेटिव टू रिड्यूस कॉस्ट। ये हमेशा देखता रहता है कि कैसे कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट को देखता है, ठीक है। अगला है, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये हर एक एक्टिविटी पे एप्लीकेबल रहता है, बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी हो उस पर एप्लीकेबल रहता है। अब बात करते हैं एडवांटेज कॉस्ट कंट्रोल के। तो पहला है, लोअर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को लो करता है। दूसरा है, इनहेंस्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तीसरा है, थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मीन्स क्या होता है, थ्रिफ्ट मीन्स सेविंग वेस्टिंग मनी एंड यूजिंग इट समवेयर एल्स फॉर बेनिफिट। मतलब जो पैसा वेस्ट जा रहा है उसको सेव करके किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहाँ से कुछ बेनिफिट मिल सके, उसे बोलते हैं थ्रिफ्ट। फोर्थ है, रीजनेबल प्राइस फॉर द कस्टमर। कॉस्ट कंट्रोल से कस्टमर को रीजनेबल प्राइस मिलता है। जब आप अपनी कोई चीज़ 10 रुपये वाली 8 रुपये में या 7 रुपये में बना लोगे, तो आप उसको 10 की बजाय 9 में बेचोगे, तो उससे क्या रहा है, कस्टमर को थोड़ा सा कम प्राइस देना पड़ रहा है, रीजनेबल प्राइस रहता है। और वही 10 रुपये की चीज़ आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं रहे हो, वो 15 में बेच रहे हो, तो कस्टमर को आप 15 से नीचे तो बेच नहीं सकते, 16-17 में बेचोगे तो कस्टमर को वो रीजनेबल प्राइस नहीं लगेगा। आगे है, कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्कर्स। ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है कंटिन्यूड, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है किसको, वर्कर्स को। अगला है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेवंथ है, इंक्रीज क्रेडिट वर्थिनेस। जब आप कॉस्ट कंट्रोल करोगे अच्छे से, आप जब कॉस्ट को कंट्रोल करोगे तो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके प्रोडक्ट की तरफ
मतलब ठीक है आपकी डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, और उससे क्या होगा जो क्रेडिट जो जो लोन्स जिनसे आप लेते हो लाइक बैंक हो गई या फिर क्रिएटर्स हो गए, वो उनसे आपका क्या होगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इसे बोलते हैं इंक्रीज क्रेडिट वर्दीनेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, मतलब कि कॉस्ट कंट्रोल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला है रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है क्योंकि आप कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हो तो आप चाहते हो कि ज़्यादा खर्चा ना हो, और ज़्यादा खर्चा नहीं होगा तो आप जो इनोवेशन होता है उसको माइंड नहीं करोगे, मतलब उस पर ध्यान नहीं दोगे। दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ स्किलफुल पर्सन टू सेट स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए आपको स्किलफुल पर्सन चाहिए, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग आती होगी वही इन स्टैंडर्ड को सेट कर सकता है, तो उनके लिए आपको रिक्वायरमेंट रहती है एक स्किलफुल पर्सन की, ठीक है। तीसरा है रिड्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन अ कंपनी, जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट है उसको रिड्यूस कर देता है किसी भी कंपनी का। चौथा है इट डज नॉट लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड, और इससे स्टैंडर्ड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है। ये है डिसएडवांटेज किसके, कॉस्ट कंट्रोल के। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट रिडक्शन के एडवांटेजेस। पहला है कॉस्ट रिडक्शन इंक्रीजेस प्रॉफिट, इससे क्या होता है कि प्रॉफिट इंक्रीज होता है। दूसरा है एक्सपेंस रिडक्शन, एक्सपेंस को रिड्यूस करता है। तीसरा है इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करता है। चौथा है कॉस्ट रिडक्शन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट रिडक्शन की वजह से क्या होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन के। तो पहला है क्वालिटी में भी सेक्रीफाइस्ड एट द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट, जो क्वालिटी है कॉस्ट रिडक्शन की वो सेक्रीफाइस, मतलब जब आप कॉस्ट रिडक्शन करते हो कॉस्ट में तो जो क्वालिटी है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते अगर आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो। दूसरा है इट इज़ पॉसिबल दैट रिडक्शन इन कॉस्ट मे नॉट बी रियल एंड परमानेंट, ये पॉसिबल है कि जो रिडक्शन है कॉस्ट में वो रियल है या परमानेंट होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरा है इन द बिगिनिंग कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम मे नॉट बी लाइक्ड बाय द एम्प्लॉयज, जब शुरुआत होती है कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम की तो एम्प्लॉयज के द्वारा उसको शुरुआत में पसंद नहीं किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है कि कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है। दूसरा है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ रिजर्व कितने होते हैं और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजेस क्या होता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है। अब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट की, कि कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। द वन हु ओन्स द बिजनेस डेफिनेटली नोज द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर हिज हर बिजनेस, पहली टेक्निक्स है टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि आप टाइम को मैनेजमेंट करके कॉस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक घंटे में 10 बोतल बना रहे हैं और उसमें से बहुत सारा टाइम पास कर रहे हैं, अगर आप उनको अच्छे से उनको देखो उनको गाइड करो तो एक घंटे में 15 बोतल बन जाएंगी, तो जो वेजेस आपका जो एक्स्ट्रा उनको चार्ज दे रहे थे, क्योंकि एक घंटा काम करने का आप अगर एक एम्प्लॉय को 10 रुपये दे रहे हो, 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं 100 रुपये हो गए, ठीक है, अब 100 रुपये में वो 10 बोतल बना रहे हैं और 1900 रुपये में 15 बोतल बना रहे हैं, मतलब कि 15 बोतल बनाने में 100 रुपये लगे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या किया कॉस्ट को रिड्यूस किया है। तो आप टाइम मैनेजमेंट करके भी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको भी, द वन हु ओन्स द बिजनेस डेफिनेटली नोज द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर हिज बिजनेस, जो एक व्यक्ति जो बिजनेस को ऑन करता है वो उसे पता होता है कि उसकी बिजनेस के लिए उसके टाइम की वैल्यू क्या है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू मेक द एम्प्लॉयज़, ये बहुत इसेंशियल होता है एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करना किसकी टाइम की वैल्यू एंड हाउ टू बी इफिशियंट टू डू मोर वर्क इन द सेम टाइम स्पेन, मतलब कि एक घंटे में ज़्यादा काम कैसे किया जा सकता है उसको बताना, ठीक है। दूसरा है दिस इज़ वन ऑफ द मेथड दैट हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विदाउट एडिंग टू लेबर कॉस्ट, ये एक ऐसा मेथड है जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकता है लेबर कॉस्ट को ऐड किए बिना, मतलब कि आप एक घंटे में अगर 15 बोतल बनाना चाहते हो तो 10 की जगह आपको 15 मजदूर रखने की नीड नहीं है, आप क्या कर लो उनका टाइम मैनेजमेंट कर लो कि वो टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। आगे बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दूसरा जो टेक्निक्स है इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प कंपनीज आइडेंटिफाई विच एंड हाउ मच स्टॉक टू ऑर्डर एट व्हाट टाइम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या करता है कंपनी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कितना स्टॉक कब और कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहिए। इट मैनेजेस इन्वेंट्री फ्रॉम परचेस टू द सेल ऑफ गुड, ये इन्वेंट्री को मैनेज करता है कहाँ से, परचेस से लेकर गुड्स की सेल तक, ठीक है। अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग, तीसरा इसका जो पॉइंट है आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच अ कंपनी हायर्स अ थर्ड पार्टी टू परफॉर्म टास्क, आउटसोर्सिंग
क्या होता है, ये एक बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें कंपनी क्या करती है, एक थर्ड पार्टी को हायर करती है, किसके लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए और ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए और जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। कंपनी खुद नहीं करती है, किसी और पार्टी को हायर करती है। अब इससे क्या होता है, जब किसी और पार्टी को हायर करोगे तो जो आपका टाइम है वो बच रहा है, ठीक है, जो आप जो उसमें टाइम देते हैं वो आपका क्या हो रहा है, बच रहा है। उसमें कितना पैसा लग रहा है, जो कुछ भी लग रहा है वो थर्ड पार्टी का काम है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े जब वो आते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है, कुछ ब्रिज बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ठेका दे देते हैं कि उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि इसका काम आप करोगे, तो उसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है, किसी और थर्ड पार्टी को काम देकर अपना काम करवाना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व्स की। तो पहला है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, रेवेन्यू रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिटेन्ड बाय द कंपनीज फॉर मल्टीपल फ्यूचर पर्पस। मतलब कि ये वो रिजर्व होता है जो एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जिसको कंपनी रिटेन्ड करती है, मतलब अपने पास रखती है, जिससे कि जो फ्यूचर में अगर कोई नीड आती है तो उसमें यूज़ कर लिया जाए। दूसरा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, दिस इज सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। इसको भी प्रॉफिट ऑफ बिजनेस के प्रॉफिट में से अलग रखा जाता है एंड इज जनरली यूज टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका इंप्रूवमेंट किया जाता है, जनरली इसका यूज किया जाता है कि फाइनेंशियल कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इम्प्रूव करने के लिए, बट मे बी यूज फॉर अदर पर्पस एज वेल। लेकिन इनका यूज किसी और पर्पस में भी यूज किया जा सकता है। जनरल मतलब कि जनरली इसको जो फाइनेंशियल कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, लेकिन आप इसका और भी चीज़ों में इम्प्रूव मतलब यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बी का। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है स्पेसिफिक रिजर्व। ये सभी किसके हैं, ये सभी रेवेन्यू रिजर्व के टाइप्स हैं, ठीक है। तो बी है स्पेसिफिक रिजर्व। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, दिस टाइप ऑफ रिजर्व इज मेंटेन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इनको एक स्पेशल या स्पेसिफिक पर्पस के लिए मेंटेन किया जाता है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। और इनको किसी और पर्पस में यूज नहीं किया जा सकता किसी भी सर्कमटेंस में, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक, कोई आपके पास रीजन है जिसकी वजह से आपने क्या किया, रिजर्व अपना रखा है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। अब बात करते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल सरप्लस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वो रिजर्व होता है जो कि कैपिटल सरप्लस, जैसे मान लो कैपिटल में आपके में ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसमें से आपने क्या किया, उसको रिजर्व में रख दिया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल सरप्लस होता है उससे क्रिएट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। दीज रिजर्व डू नॉट इमर्ज आउट ऑफ द प्रॉफिट। इनको प्रॉफिट में से इमर्ज मतलब नहीं निकाला जाता है, जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रॉफिट कमाया जाता है, ठीक है, और ना ही इनका यूज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाएगा। बात समझ में आ गई। ये वो रिजर्व होता है जो कैपिटल के सरप्लस में से निकाला जाता है, इनका प्रॉफिट्स में से कोई मतलब नहीं रहता, जो कि बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रॉफिट कमाया जाता है उसके द्वारा। ऐसे आपने कोई सेल किया गुड, उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसमें उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो कैपिटल का सरप्लस है, जो कैपिटल आपने ऐसे शेयर होल्डर का इक्विटी शेयर्स आपने बहुत ज़्यादा इशू कर दिए, तो आपके पास बहुत सारा कैपिटल है, आपको उसका यूज़ नहीं, तो आपने उसमें से क्या किया, पैसा निकाल के रिजर्व में डाल दिया और जो बचा था उसे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। और इनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किससे दिया जाता है, प्रॉफिट से दिया जाता है, जो कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, ठीक है। अब बात करते हैं सीक्रेट रिजर्व की। एज द नेम सजेस्ट, दिस टाइप ऑफ रिजर्व इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म एंड मे ऑल्सो बी नोन एज हिडन और इंटरनल रिजर्व। ये वो रिजर्व होते हैं जिनको बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया जाता, डिक्लेयर नहीं किया जाता है, और इनको हम हिडन और इंटरनल रिजर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ, अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने 11th 12th में पढ़ा है उसके यूजेस क्या है। पहला है डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये किसी भी कंपनी या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की। दूसरा है टू ऑप्टेन क्रेडिट, क्रेडिट को ऑप्टेन करने के लिए मतलब कि लोग आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें इसके लिए। तीसरा हेल्प इन्वेस्टर इन डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना उनकी डिसीजन को बनाने में ये हेल्प करता है, क्योंकि जब उसकी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे कंपनी की तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। चौथा है हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज़ को बनाने के लिए ये क्या करते हैं, हेल्प करता है। पांचवा है यूजफुल फॉर स्टॉक ट्रेडर्स, जो स्टॉक ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए कैसा यूजफुल है, ठीक है। कौन सा फाइनेंशियल पोजिशन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी कंपनी की वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। बजटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। दूसरा है व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग, मतलब कि एक इफेक्टिव बजटिंग के लिमिटेशंस क्या है और एसेंशियल्स क्या है, मतलब कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है और क्या क्या जरूरी है एक इफेक्टिव बजटिंग के लिए। तो बात करते हैं बजटिंग होता क्या है।
बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान टू स्पेंड योर मनी। बजटिंग क्या एक प्रोसेस है जिससे आप क्या करते हो, एक प्लान क्रिएट करते हो कि आपको पैसा अपना कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे स्पेंड करना है। दिस स्पेंडिंग प्लान इज कॉल्ड बजट। इसी स्पेंडिंग प्लान को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। जैसे मान लो आपने एक महीने का बजट बना लिया कि मुझे एक महीने में कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे खर्च करना है, तो वो क्या आपका बजट है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव बजटिंग की। तो पहला है टू गेट मोर इकोनॉमिक यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक यूज़ किससे हो जाता है, बजट से होता है, कि आप कैपिटल को इकोनॉमिकली कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो। दूसरा है टू प्रिवेंट वेस्ट एंड रिड्यूस एक्सपेंसिव। वेस्ट को रोकना, मतलब जो आप बर्बाद पैसा हो रहा है उसको रोक कर और जो एक्सपेंसिस उनको रिड्यूस करना। तीसरा है टू फैसिलिटेट वेरियस डिपार्टमेंट्स टू ऑपरेट इफिशियंटली एंड इकोनॉमिकली। जो आपके डिपार्टमेंट्स जब आप उनको बजट के अकॉर्डिंग पैसा दोगे तो वो जो बजट है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन करके देंगे। अगर आप उनको बिना बजट के, मतलब बिना किसी प्लानिंग के पैसा दोगे तो वो अपने मर्जी से ज्यादा खर्चा करेंगे। जहां पे 10 रुपए लगने चाहिए तो वहां पे वो 50 रुपए लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आपने बजट बना दिया, डिपार्टमेंट्स को बोल दिया कि इतने पैसे में इतनी चीजें बन सकती हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करो, तो ये इसके लिए भी अच्छा है। चौथा है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स होगा। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज़ हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स की, उनको कोऑर्डिनेट करने में, उनको एक साथ मिला के चलने में हेल्प करता है। पांचवा है टू प्लान एंड कंट्रोल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। मतलब कि जो फर्म है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर को प्लान करने में और कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। सिक्स है टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फिक्स भी करता है कौन, बजट। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बजटिंग। अब देखो सिंपल सा है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े, अगर आप इनमें से ही पॉइंट्स लिख देते हो, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिपार्टमेंट्स की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, एक्टिविटीज और वेरियस डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, तो आपकी ये पॉइंट्स यही आपके एडवांटेज में भी आ जाएंगे। जैसे कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, वही चीज आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बजट ट्रांसलेट स्ट्रेटजिक प्लान्स इनटू एक्शन। मतलब बजट क्या करता है, स्ट्रेटजी से जो प्लान बनाते हैं उनको एक्शंस में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, बजट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ है उनका एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड कौन करता है, प्रोवाइड करता है कौन, बजट। बजट इंप्रूव कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़। बजट की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ से आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। बजट्स इंप्रूव रिसोर्सेज एलोकेशन बिकॉज ऑल रिक्वेस्ट आर क्लेरिफाइड एंड जस्टिफाइड। बजट क्या करता है, रिसोर्स को कहाँ पे एलोकेट करना है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि आप पहले से ही उन चीज़ों को बजट में दर्शा चुके हो। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। इफेक्टिव बजटिंग के लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला है द मेजर प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन बजट आर अप्लाइड मैकेनिकली एंड रिगिडली। मतलब इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो तब ऑकर करती है जब बजट को रिगिड बनाया जाता है, मतलब कि ऐसा बजट जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखो कंपनी में कहाँ पे कौन सी चीज़ घट जाए किसी को नहीं पता। अब आपका बजट ऐसा है कि आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए था कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा लॉस हो गया है, वहाँ पे आपने पैसा कम लगा रहे हो, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब प्रोडक्शन में आपका पहले से ही सही है, उसमें कोई लॉस नहीं हुआ है, और आप वहां पे पैसा ज्यादा दे रहे हो बजट के हिसाब से, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो सरकारी गवर्नमेंट बजट होता है, बनाया जाता है। अब गवर्नमेंट बजट में क्या कर दिया गया, उसमें बोल दिया गया कि जो आपके केरल है या फिर जहाँ पे समुद्री एरिया है तमिलनाडु, उनको दिया गया 50,000 करोड़ रुपए का बजट। ठीक है, और जो आपके एरियाज है लाइक यूपी एंड पंजाब, इनको दिया गया 1 लाख करोड़ रुपये का बजट। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या फिर 50 करोड़ ले लो और 100 करोड़ ले लो। तो जैसे मान लो केरल तमिलनाडु में 50 करोड़ का बजट दिया गया कि इतना हम खर्च करेंगे एक साल में, और यूपी एंड पंजाब में दिया गया 100 करोड़ का। अब क्या हुआ कि केरल एंड तमिलनाडु में सुनामी आ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब आपके बजट के हिसाब से, अगर आपका बजट रिजिड है, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने बजट के हिसाब से केरल को 50 करोड़ रुपये दोगे, और जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, जहाँ पे पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई यूपी पंजाब में, आप वहाँ पे 100 करोड़ रुपये दे रहे हो। तो अगर आपका बजट रिजिड है तो प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, दूसरा है बजट कैन डीमोटिवेट एम्प्लॉयज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। बजट की वजह से एम्प्लॉयज इतना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। तीसरा है रिगिड बजट स्ट्रक्चर रिड्यूस इनोवेशन। एक रिगिड बजट क्या करता है, इनोवेशन को रिड्यूस कर देता है। चौथा है बजट्स कैन कॉज ऑफ अनफेयरनेस। बजट की वजह से अनफेयरनेस भी कॉज हो सकती है। अगला है अ बजट डज नॉट अलाउ एनी ऑफ द रिसोर्सेज और मनी टू गो वेस्टेड। एक बजट कोई भी रिसोर्सेज या पैसे को वेस्ट जाने का मतलब अलाउ नहीं करता। ठीक है,
और उसके बाद है अ बजट अलाउस अ कंपनी और एन इंडिविजुअल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। एक बजट होता है वो क्या करता है, अलाउ करता है किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल को कि वो जो रिसोर्सेस हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिमिटेशंस ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। आई थिंक इसमें ये दो पॉइंट जो हैं, अ बजट डज नॉट अलाउ एनी ऑफ द रिसोर्सेज और मनी टू गो वेस्टेड, अ बजट अलाउस अ कंपनी और इंडिविजुअल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। आई थिंक ये जो दो पॉइंट ये आपके एडवांटेजेस के हैं, ये लिमिटेशंस के नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इनमें बजट की तारीफ की जा रही है, तो ये दोनों पॉइंट आपके एडवांटेजेस के हैं, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, तो आप इन दोनों को एडवांटेज में रख लेना, और आपकी जो 3 या 4 पॉइंट ये आपके लिमिटेशंस के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग, मतलब कि इफेक्टिव बजटिंग के एसेंशियल्स क्या हैं। पहला है एक्यूरेट फॉरकास्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। पहला मतलब क्या करता है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनकी एक्यूरेट फॉरकास्टिंग देता है, एक एक्यूरेट आपको पहले से ही दे देगा कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ ऐसे ऐसे हैंडल होंगी। दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड कोऑपरेशन, ये एक्सेप्ट करता है जो भी चीज़ें हैं बजट, ठीक है, उनको और उनमें कोऑपरेट करता है। चौथा है सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, सपोर्ट करता है। पाँचवा है मोटिवेशन टू स्टाफ, स्टाफ को मोटिवेट करता है। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स कंसर्न, सभी डिपार्टमेंट्स का क्या करता है, पार्टिसिपेशन इसमें जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द एसेंशियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, मतलब कि बजटरी कंट्रोल के एसेंशियल्स क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी हमने देखा था किसका, बजटिंग का, अब बात करेंगे बजटरी कंट्रोल का। डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजट को कंट्रोल करने के डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस क्या है। तो बजटरी कंट्रोल होता क्या है, अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स सेट असाइड फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है, फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो कि फाइनेंशियल रिसोर्स का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जिसको एक तरफ रखा जाता है किसके लिए, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बजटरी कंट्रोल या उसे बजट बोल सकते हैं। द एसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, पहला है गोल ओरिएंटेशन, ये कैसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लायक ऐसा होना चाहिए। दूसरा है प्रॉपर रिकॉर्डिंग सिस्टम, इसका जो रिकॉर्डिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तीसरा है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, इसमें टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। चौथा है बजट शुड बी फ्लेक्सिबल, बजट कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इफिशियंट एंड इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये आपके एसेंशियल्स हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो पहला है टू इंश्योर प्लानिंग फॉर फ्यूचर बाय सेटिंग अप वेरियस बजट, मतलब कि जो फ्यूचर है उसकी प्लानिंग इंश्योर कर की जानी चाहिए, कैसे, वेरियस बजट, अलग अलग बजट बनाकर, बजट भी टाइप्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो वो बजट बनाकर आप क्या करो कि जो फ्यूचर में क्या करने वाले उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरा है टू ऑपरेट वेरियस कॉस्ट सेंटर्स एंड डिपार्टमेंट्स विद इफिशियंसी एंड इकोनॉमी, मतलब कि जो अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनको इफिशियंटली और इकोनॉमिकली क्या करना, ऑपरेट करना चाहिए। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, क्या करता है बजट जो वेस्ट है उसको इलिमिनेट करता है, मतलब रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। चौथा है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देता है बजट। पांचवा है कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, मतलब कि आपका जो कंपनी में जो कंट्रोल है और परफॉर्मेंस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है जो भी आपकी कॉस्ट है यहाँ पे, जो भी चीज़ें हैं और उनका परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करता है, कौन, बजट। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, मतलब कि बजटरी कंट्रोल के एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब कि इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। दूसरा है प्रोवाइडिंग प्लान्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सो डिफाइंड, और प्लान्स को प्रोवाइड करना जिससे कि आप जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको अचीव कर सको। तीसरा है कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। चौथा है ऑपरेटिंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट सेंटर्स इकोनॉमिकली एंड इफिशियंसली, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑपरेट करना कैसे इकोनॉमिकली एंड इफिशियंसली, मतलब कि आपका जो ना तो टाइम वेस्ट हो ना पैसा वेस्ट हो, ऐसे उनको ऑपरेट करना। पाँचवा है इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी बाय इलिमिनेटिंग वेस्ट, मतलब कि प्रॉफिट को बढ़ाना किससे, वेस्ट को कम करके। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस इंडिविजुअल इन द एंटरप्राइज, और इंडिविजुअल्स जितने भी हैं कंपनी में एंटरप्राइज में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फिक्स करना। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। पहला है, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द बजट एक्यूरेटली अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। मतलब जहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है उसके अंडर में आप एक अच्छा बजट बना सको, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा है, बजट इन्वॉल्व्स हैवी एक्सपेंडिचर विच स्मॉल बिजनेस कंसर्न कैन नॉट अफोर्ड। मतलब बजट बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है जो कि स्मॉल जो बिजनेस है वो इसको नहीं कर सकती। तीसरा है, बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड विच इज ऑलवेज अनसर्टेन। बजट जो बनाया जाता है हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, आने वाले टाइम के लिए बनाया जाता है जो कि अनसर्टेन होता है, मतलब कब क्या घट जाए कुछ पता नहीं होता। चौथा है, इट कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता किसमें, डिसीजन मेकिंग में। पांचवा है, द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो बजटरी कंट्रोल उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि टॉप मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है। दूसरा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से आप क्या समझते हो, आंसर देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस सिंस मैन्युफैक्चर कैन नॉट प्रेडिक्ट एक्चुअल कॉस्ट इन एडवांस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, प्रैक्टिस होती है कि आप क्या कर रहे हो कि जो आपके एक्सपेंसेस को एस्टिमेट कर रहे हो, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो कंपनी में उसमें एक्सपेंस आने वाले उसको आप एस्टिमेट कर रहे हो पहले से, क्योंकि मैन्युफैक्चर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितनी कॉस्ट मतलब लगने वाली है। जैसे मान लो कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, आपको उसमें क्या कॉस्ट लगने वाली है आप उसको सिर्फ एस्टीमेट कर सकते हो, आप एक्चुअल कॉस्ट नहीं बता सकते क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको कम समय में बनाना है तो आपको ज़्यादा लेबर चाहिए, और टाइम ज़्यादा आपके पास है तो कम लेबर में आप बना सकते हो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके एडवांटेजेस क्या है, पहला है इंप्रूव्ड कॉस्ट कंट्रोल, ये कॉस्ट कंट्रोल को इंप्रूव करता है। दूसरा है, मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजरियल प्लानिंग होती है, जो प्लानिंग की जाती है मैनेजर्स के द्वारा और डिसीजन मेकिंग होता है उसके लिए ये सब मतलब ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन रहता है। तीसरा है, मोर रीजनेबल एंड ईजियर इन्वेंट्री मेजरमेंट। इन्वेंट्री को मेजरमेंट करने के लिए ये कैसा रहता है, मतलब ईजियर और रीजनेबल रहता है, क्योंकि आप पहले से ही आप एस्टिमेट कर रहे हो कितनी कॉस्ट आने वाली है, आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करोगे। चौथा है, कॉस्ट सेविंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग करने में भी क्या करता है, आपका ये कॉस्ट को सेव करता है। पाँचवा है, पॉसिबल रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी आ रही है, ठीक है, उसमें ये क्या करता है, रिडक्शन भी करता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो पहला है, डिफ़िकल्टीज डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड। मतलब कि स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करने में क्या होता है, डिफ़िकल्टीज होती है। आपको ये नहीं पता होता कि कितना स्टैंडर्ड रखा जाए। अब क्यों नहीं पता होता है, क्योंकि आप कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हो, आपको फिक्स कॉस्ट नहीं पता कितना आने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड अगर रख रहे हो तो क्या पता आप स्टैंडर्ड आपने कम कॉस्ट का रखा और कॉस्ट ज़्यादा लगने वाली है, और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो आप इसको डिफिकल्टी होती है डिटरमाइन करने में किसको, स्टैंडर्ड्स को। अब बात करते हैं एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना। तीसरा है, नीड फॉर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स। आपको बार बार स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने पड़ते हैं, ठीक है, बार बार स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। चौथा है, नॉट सूटेबल फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स। हर एक प्रोड्यूसर के लिए सूटेबल नहीं होता। पांचवा है, डिपेंड्स अपॉन बजटरी कॉस्टिंग। बजटरी कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब बात करते हैं नीड्स एक्सपर्ट, और इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। सेकंड जो पॉइंट है उसमें है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, प्रोसेस है, जैसे आप क्या करते हो, चॉइसेस को आइडेंटिफाई करके डिसीजन बनाते हो, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को गैदर करके और असेसिंग अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन। मतलब कि आप इन्फॉर्मेशन और चॉइसेस के हिसाब से आइडेंटिफाई करके आप क्या कर रहे हो, डिसीजन बना रहे हो, उसे हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या क्या होती है, तो पहला है आइडेंटिफाई द डिसीजन। पहले डिसीजन को आइडेंटिफाई करो कि डिसीजन क्या है, निर्णय क्या है, उसको आइडेंटिफाई करो। दूसरा है, गैदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, उसके जो रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करो, ठीक है, इकट्ठा करो। तीसरा है, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, और क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं उस चीज़ के, उसको आइडेंटिफाई करो। चौथा है, वे द एविडेंस, एविडेंस जो है, ठीक है, अब जो मान लो आपने अल्टरनेटिव आपने कोई चूज़ किया है, क्या वो बेस्ट वो वाला बेस्ट है या फिर ये वाला बेस्ट है। जैसे मान लो कि मैंने कॉमर्स किया है, अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे 12th के बाद BCom करना है BBA करना है, ठीक है, तो अगर मैं दोनों को पहले देखूंगा कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, BBA से कौन कौन से मतलब आप जॉब्स पा सकते हो, दोनों को मैंने कंपेयर किया, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन ली, फिर एक मतलब BCom मेरा करने का मन था तो मैंने उसकी एक मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर उसके जो
अल्टरनेटिव है बीबीए, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर की, फिर दोनों के एविडेंस देखे कि किसमें क्या क्या है, मतलब किसमें ज़्यादा सक्सेसफुल सफलता मिलती है, उसके बाद चूज अमोंग द अल्टरनेटिव, दोनों में से एक को चूज कर लिया कि मुझे बीकॉम करना है, फिर टेक एक्शन, मैंने बीकॉम में फॉर्म भरा, रिव्यू डिसीजन पर आपने अपना क्या किया, बीकॉम करने बाद आप खुश हो कि नहीं हो उसको आपने रिव्यू किया, तो ऐसे ही आप डिसीजन मेकिंग करते हो, ये प्रोसेस है। सेवंथ है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइजिंग, प्राइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर प्राइजिंग डिसीजन, प्राइजिंग डिसीजन की नीड क्या है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइजिंग डिसीजन, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, प्राइजिंग डिसीजंस को। आंसर्स की बात करूं तो प्राइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू दैट अ मैन्युफैक्चरर विल रिसीव इन द एक्सचेंज ऑफ सर्विस एंड गुड्स। प्राइजिंग क्या एक प्रोसेस है जिससे आप क्या करते हो, वैल्यू को फिक्स कर देते हो कि जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा किसी भी सर्विस या गुड्स के बदले में। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ बनाई आपने, ठीक है, आपने क्या किया उसको, आपने देखा कि इसमें कितना कॉस्ट आया, आपने उसके अकॉर्डिंग क्या किया, उसका प्राइस रख दिया, तो प्राइस क्या है, जब आप उसको सेल करोगे या फिर आप किसी को वो सर्विस दोगे, ठीक है, तो उसके बदले में आपको जो पैसा मिलने वाला है, जो उस चीज़ की वैल्यू है वो आपका क्या होगा, प्राइस होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्राइसिंग के, तो पहला है मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोट, तो ये क्या करता है जो प्रॉफिट, जो आपका शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है उसको क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। दूसरा है मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, मतलब आपका बिजनेस लंबा चलेगा, इसको क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। तीसरा है इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम सेल्स की वॉल्यूम्स को इंक्रीज करता है, जैसा आप प्राइसिंग अपना रखोगे उसके हिसाब से आपकी जो डिमांड है वो आएगी। चौथा है जनरेट इंटरेस्ट अराउंड न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स के मतलब अराउंड में क्या करता है, इंटरेस्ट को जनरेट करता है। पाँचवा है सर्वाइव अ स्लो पीरियड ऑफ बिजनेस, मतलब एक स्लो पीरियड ऑफ बिजनेस है उसको भी क्या करता है, सर्वाइव करता है, ऐसे बहुत स्लो कोई बिजनेस है उसको भी सर्वाइव करने में मदद करता है, क्योंकि आपकी प्राइसिंग से ही आपके कस्टमर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब बात करते हैं नीड फॉर प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजंस की नीड क्या है, तो पहला है प्राइस क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन, जो प्राइस वो क्या करता है, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा है अट्रैक्ट कस्टमर टू बाई प्रोडक्ट, अब जो कस्टमर उनको प्रोडक्ट बाई करने में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। देखो आपका जैसा प्राइस होगा उसके हिसाब से कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे मान लो कि मैं मार्केट में एक नोटबुक ले आऊँ जिसमें 20 पेजेस हैं और वो 2 रुपए की है, और एक मार्केट में ऑलरेडी नोटबुक चल रही है 20 पेजेस की 10 रुपए की, तो कस्टमर किसकी तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा 2 रुपए वाले की तरफ, क्योंकि उसका प्राइस कम है। तो प्राइस आपका जो प्राइस है वो आपका क्रिएट करता है फर्स्ट इंप्रेशन, दूसरा कस्टमर को अट्रैक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को बाई करने में, तीसरा है अफोर्डेबल फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के लिए कैसा होता है, अफोर्डेबल होता है। चौथा डिटरमाइंस डिमांड, डिमांड को डिटरमाइन करता है कि आपकी डिमांड कैसी होगी। पांचवा है काउंटरिंग कंपटीशन, कंपटीशन को काउंटर करता है, जैसा आपका प्रोडक्ट का प्राइस है उसके हिसाब से आपकी कंपटीशन जो बिजनेस है उसमें आपकी कंपटीशन रहेगी। छठवा है बिल्ड प्रोडक्ट इमेज एंड अ टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन, क्या करता है प्रोडक्ट की इमेज को बिल्ड करता है और सेल्स प्रमोशन को बिल्ड, मतलब उसके टूल्स को क्या करता है, बिल्ड करता है। अब बात करते हैं अगला, तो अगला है फैक्टर इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, प्राइसिंग डिसीजंस को। बात करते हैं पहला है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसीजंस आपके इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे ज़्यादा डिमांड है तो आप प्राइस उसका इंक्रीज कर दोगे। दूसरा है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन कैसी है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है उसके हिसाब से आप क्या करते हो, अपना प्राइस डिटरमाइन करते हो। तीसरा है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स, जो आप रॉ मटेरियल उसमें डाल रहे हो उनका प्राइस क्या है, ऐसा तो नहीं है कि आप अपना प्राइस कम रख रहे हो और आपको खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी आपके फैक्टर होते हैं जो प्राइस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। चौथा है बायर्स बिहेवियर, बायर क्या है आपका, उसका बिहेवियर कैसा है आपके प्रोडक्ट की तरफ, मतलब उसको सस्ता सामान चाहिए, उसमें क्वालिटी अच्छी चाहिए उसको या फिर सामान चाहिए सस्ता। दो टाइप के होते हैं, एक तो जिनको क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता बस चीप होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे होते हैं जिनको क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है महंगा हो तो हो, तो बायर का बिहेवियर क्या है वो देखना ज़रूरी है। पांचवा है गवर्नमेंट रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इसमें क्या करते हैं फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, प्राइसिंग डिसीजंस के। ये सारे फैक्टर कैसे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से प्राइस रखा जाता है। दूसरा कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आई है आपको, क्या उसकी कॉस्ट पड़ी है उसके हिसाब से। तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रॉफिट कितना कमाना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। कंपनी अगर सोशल वेलफेयर वाली है तो प्राइस कम रखेगी, और कंपनी सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट अर्निंग उसका मोटिव है तो प्राइस ज़्यादा रखेगी। चौथा है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसके स्टेजेस क्या है, ठीक है, उस पर फोकस कर मतलब किया जाता है। पाँचवा है प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसकी यूजेस क्या है इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो टेक्निक्स की बात करूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। दूसरा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग करो, ठीक है, उससे आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगी। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करो। तीसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी पहले की है उसको आप क्या करो, वो आपकी है, ठीक है, उसको हिस्टोरिकल जो है उसके थ्रू। चौथा है मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू। पांचवा है बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के थ्रू। छठवा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू। तो आपकी सारी टेक्निक्स है किसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। सातवां है फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, अब फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू एनालाइज द रीजंस फॉर चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी बिटवीन टू बैलेंस शीट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, एक रीजन होता है जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की दो बैलेंस शीट के बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, क्या एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर टू एनालाइज, किसी प्रिपेयर किया जाता है एनालाइज करने के लिए क्या द रीजंस फॉर चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से चेंज आया है किसमें, फाइनेंशियल पोजीशन में, किसके कंपनी के में दो बैलेंस शीट के बीच में, मतलब कि दो बैलेंस शीट आपकी बनी है उनके बीच में और कुछ चेंजेस हैं उनके बीच, उनका रीजंस क्या है उसको पता करने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लिमिटेशंस क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंटेन सम इंटेंजिबल असेट, जो इंटेंजिबल असेट होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते उनमें ये कंटेन नहीं रहता, जैसे गुडविल। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली कवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए को ही कवर करता है, कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट बी कंपेरेबल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर, ऐसा भी नहीं है कि उन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए क्योंकि क्या पता उसमें मतलब एक्यूरेट सब चीज़ें नहीं होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी रॉन्ग ड्यू टू फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि वो आपसे फ्रॉड करना चाहता है, आप उसमें कंपनी प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन वो प्रॉफिट दिखा देंगे जिससे कि लोग उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट हों। अगला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कवर नॉन फाइनेंशियल इशूज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं नॉन फाइनेंशियल इशूज़ को कवर नहीं करते, ऐसे इशूज़ जो नॉन फाइनेंशियल हैं उनको कवर नहीं करते, जैसे कि चोरी हो गई या कुछ और हो गया, ठीक है, उसको कवर नहीं करते। अब बात करते हैं द यूजेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के यूजेस क्या है, तो पहला है इजी आइडेंटिफिकेशन, कैसा है, इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इनेबल्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, मतलब ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो मैनेजर्स हैं कौन कौन से मैनेजर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एक ऐसा परफॉर्मेंस जो या तो सेटिस्फैक्ट्री है जैसा कंपनी को चाहिए था वैसा परफॉर्मेंस है, या फिर जैसा कंपनी को नहीं चाहिए था उसके अपोजिट, मतलब उसके जो नहीं चाहिए था वैसा परफॉर्मेंस है, मतलब अच्छा काम किया है किसने वो इसमें इसके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और किसने ख़राब काम किया उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड है मोटिवेशनल बेनिफिट्स, मतलब इससे क्या होता है कि आपको मोटिवेशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। थर्ड है डाटा अवेलेबिलिटी, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग करोगे तो आपके पास डाटा अवेलेबल रहेगा कि किस इंसान ने किस प्रोडक्ट किस यूनिट ने कितना प्रोडक्शन किया है या कितना उसकी तरफ से काम किया गया है। चौथा है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होता है प्लान कर सकते हो या डिसीजन को बना सकते हो। पांचवा है हेल्प इन ट्रेनिंग फ्यूचर मैनेजमेंट, मतलब जो फ्यूचर मैनेजमेंट है उसको ट्रेन करने में आपको हेल्प करता है कि बाद में आने वाले कौन कौन ऐसे मतलब लोग हैं जो आपको मैनेजमेंट करके देंगे, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करते हैं तो आप उनको फ्यूचर में मैनेजमेंट का काम दे सकते हो। अब बात करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन के कुछ क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। पहला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग बीच में डिफरेंस क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच होती है अकाउंटिंग की विच एम्स एट जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन टू कंट्रोल ऑपरेशंस, मतलब क्या इसका एम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना जिससे कि ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जा सके विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके एंड इफिशियंसी ऑफ द कंपनी और कंपनी की इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके, दैट इज़ व्हाई इट इज़ आल्सो टर्म कंट्रोल कॉस्टिंग, इसलिए इसको कंट्रोल कॉस्टिंग भी कहा जाता है, मतलब कि ऑपरेशंस को कंट्रोल करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कंपनी की जो इफिशियंसी उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको कंट्रोल
कंट्रोल अकाउंटिंग भी कहा जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड दस नॉन एज डिसीजन अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को असिस्ट करती है किसमें, प्लानिंग करने में या फिर डिसीजन मेकिंग करने में, इसलिए इसको डिसीजन अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब बेसिस ऑफ कंपैरिजन से देख लेते हैं, मीनिंग की बात करें तो हम पहले पढ़ चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा पढ़ लेते हैं, द रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ कॉस्ट डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कि जो कंपनी का कॉस्ट डाटा है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट डाटा है उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। अगला है द अकाउंटिंग इन विच द बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू मैनेजर्स। ऐसी अकाउंटिंग जिसमें दोनों या तो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, दोनों टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसको, मैनेजर्स को, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो असर्टेन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे असर्टेन होता है कि कॉस्ट प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है। अब बात करें यहाँ पे तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स टू सेट गोल्स एंड फोरकास्ट स्ट्रेटजीज, ये क्या करता है, जो मैनेजर उनको प्रोवाइड करता है क्या इन्फॉर्मेशन जिससे कि वो अपने गोल सेट कर सकते हैं या स्ट्रेटजी को फोरकास्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग की बात करें तो रिकॉर्ड पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा, ये क्या करता है कि जो पास्ट और प्रेजेंट का डाटा वो रिकॉर्ड करता है कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग। इट गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन द एनालाइज ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन, ये क्या करता है, जो मैनेजर अकाउंटिंग है वो स्ट्रेस देता है फ्यूचर प्रोजेक्शन, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर के प्रोजेक्ट क्या होने चाहिए उनको एनालाइज करने में। अब बात करते हैं इंटरडिपेंडेंसी, तो कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिना इंस्टॉल किया सकते हैं, मतलब कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना नहीं कर सकते क्योंकि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। सेकेंड है प्रोविजन एंड रिजर्व, इसका देख लेते हैं मीनिंग का बात करें तो द प्रोविजन मीन्स टू प्रोवाइड फॉर अ फ्यूचर एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज। प्रोविजन क्या होता है कि जो फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटीज होने वाली है उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, कौन, प्रोविजन। रिजर्व मीन्स टू रिटेन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर फ्यूचर यूज, और रिजर्व क्या होता है कि आपने प्रॉफिट का कोई पार्ट रख लिया जिससे कि फ्यूचर में यूज किया जा सके। तो लाइबिलिटीज के लिए प्रोविजन रखा जाता है और रिजर्व किस लिए रखा जाता है, कोई और फ्यूचर में यूज आए उसके लिए आपने क्या किया, रिजर्व रख लिया। व्हाट इज इट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजन क्या होता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। प्रोवाइड्स फॉर किसके लिए, नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है प्रोविजन। और इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको इंक्रीज जो होता है उसके लिए क्या करते हैं हम, जो रिजर्व उसको रखते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसमें नॉट नेसेसरी होता है, प्रॉफिट का होना ज़रूरी नहीं होता प्रोविजन में, लेकिन रिजर्व में प्रॉफिट का होना ज़रूरी है क्योंकि आप प्रॉफिट से ही इसको क्रिएट करते हो। कंपल्सन, प्रोविजन बनाना कंपलसरी है और वो ऑप्शनल है, आपको बनाना, बनाओ नहीं बनाना तो मत बनाओ। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कैन नेवर बी पेड आउट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन के द्वारा डिविडेंड पेड नहीं किया जा सकते कभी भी, और डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ रिजर्व, रिजर्व से आप डिविडेंड पे कर सकते हो। तीसरा है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो द बजट विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज नॉन एट फिक्स बजट। ऐसे बजट जो चेंज नहीं होते हैं किसी भी आउटपुट के वॉल्यूम में चेंज होने पर, उन्हें हम बोलते हैं फिक्स बजट। मतलब कि आउटपुट का वॉल्यूम चेंज हो या ना हो, वो बजट चेंज नहीं होता उससे बोलते हैं फिक्स्ड, मतलब जो चेंज ना हो, एक होता है ना रिगिड बजट उसे ही बोलते हैं फिक्स बजट, की जो चेंज ही ना हो, आपका आउटपुट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आप कितना भी कुछ भी कर रहे हो लेकिन बजट आपका वही रहेगा। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, द बजट विच कैन चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज नॉन ए फ्लेक्सिबल बजट। ऐसे बजट जो आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। बेनिफिट क्या होते हैं, द फिक्स बजट इज बेनिफिशियल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट चेंज विद इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। अभी हमने देखे थे ना इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं प्राइसिंग के, उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो खुद को चेंज नहीं करते उनके लिए फिक्स बजट बेनिफिशियल रहता है। द फ्लेक्सिबल बजट इज यूजफुल टू शो चेंजेस ऑफ रिजल्ट विद द चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। और जो फ्लेक्सिबल बजट वो क्या करता है कि जो आपका इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है उसके चेंज होने के पीछे जो यूजफुल चीज़ें हुई हैं उनके रिजल्ट शो करता है, कौन, फ्लेक्सिबल बजट। मतलब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो चेंज आता है उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब यूजफुल थी उसका रिजल्ट शो करता है फ्लेक्सिबल बजट। रिगिड और फ्लेक्सिबल नेचर, द फिक्स बजट आपको पता है कैसा होगा, रिगिड होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। और फ्लेक्सिबल बजट इन फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट कैन चेंज विद चेंज इन फैक्टर्स, इसको हम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सिंपलिसिटी, प्रेटी सिंपल, जो फिक्स बजट है उसको बनाना सिंपल होता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि आपको बार बार चेंज करना पड़ता है फ्लेक्सिबल बजट। ईज़ ऑफ प्रिपरेशन, इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर अ फिक्स बजट। फिक्स बजट बनाना कैसा है, प्रिपेयर आपने एक बार बना दिया उसको चेंज दोबारा नहीं करना है, लेकिन फ्लेक्सिबल बजट कैसा होता है, थोड़ा सा टफ होता है बनाने में। बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की,
तो पहला है यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड लिमिटेशंस आल्सो। रेशियो एनालिसिस की यूजेस क्या है? तो पहला है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। दूसरा है हेल्प इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग करने में हेल्प करता है। तीसरा है हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग करने में हेल्प करता है। चौथा है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। पांचवा है हेल्प्स इन कंट्रोल में हेल्प करता है। कौन? रेशियो एनालिसिस के यूजेस। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये किसके बेस पे होता है? हिस्टोरिकल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे होता है। विच सम काइंड मेक इट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर कंडीशन ऑफ द बिजनेस, जिससे कि जो आप हिस्ट्री को देख के अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है पीछे की उसके अकॉर्डिंग आप अगर फ्यूचर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फिक्स करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है। दूसरा है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं किसकी वजह से? रेशियो एनालिसिस की वजह से। तीसरा है इट कैन बी डेंजरस टू कंडक्ट रेशियो एनालिसिस कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म्स। ये डेंजर हो सकता है कि दो फर्म्स के बीच आप क्या कर रहे हो? रेशियो एनालिसिस को कंडक्ट कर रहे हो। दैट आर परस्यूइंग डिफरेंट स्ट्रेटजी, जो कि डिफरेंट स्ट्रेटजी को परस्यू कर रही है। चौथा है इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट। कैसा हो सकता है? डिफिकल्ट हो सकता है टू असर्टेन द रीजन फॉर द रिजल्ट ऑफ अ रेशियो, जिससे कि जो रेशियो है उसका रिजल्ट के पीछे रीजंस क्या उनको पता करने में डिफिकल्ट हो सकता है। अब दूसरा जो शॉर्ट नोट का पॉइंट है वो है पीबीटी, पीएटी एंड पीबीआईटी। पीबीटी होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब प्रॉफिट जो है टैक्स लगाने से पहले का, उसे हम बोलते हैं पीबीटी। पीएटी होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट टैक्स लगाने के बाद कितना बचा है उसे पीएटी बोलते हैं। और पीबीआईटी क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट क्या है वो होता है पीबीआईटी। थर्ड पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। बजट को कितनी टाइप में क्लासिफाई किया है? डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स भी बोल सकते हैं इसको। तो बेस्ड ऑन टाइम पे दो है, लॉन्ग टर्म बजट एंड शॉर्ट टर्म बजट। बेस्ड ऑन कैपेसिटी पे दो है, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है फंक्शनल बजट क्या होता है? द बजट विच इज कंसर्न विद द बिजनेस फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शनल बजट, मतलब जो बिजनेस के फंक्शन है उसके लिए जो बजट बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल बजट। इसमें आपके आते हैं सेल्स बजट, ये आपका फंक्शन है बिजनेस का। सेल्स प्रोडक्शन बजट भी आपका बिजनेस का फंक्शन है, इसलिए प्रोडक्शन बजट हो गया। मटेरियल बजट हो गया जो आपकी इन्वेंट्री है। परचेस बजट, कितना सामान ने परचेस किया रॉ मटेरियल उसका। कैश बजट, तो आपके सारे बजट किसके लिए हैं? बिजनेस के फंक्शंस के लिए, इसलिए इसे बोलते हैं फंक्शनल बजट। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बेस पे पहला है कैपिटल बजट, दूसरा है रेवेन्यू बजट। ठीक है। चौथा बात करें तो है जीरो बेस्ड बजटिंग शॉर्ट नोट। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ मेथड दैट हैज टू एलोकेट ऑल ऑफ योर मनी टू एक्सपेंसेस फॉर नीड्स एंड वांट्स, मतलब एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो पैसे के खर्चे हैं, जो आपकी नीड्स और वांट्स हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसे एलोकेट कर रहे हो। ठीक है। मतलब कि एक ऐसा बजट जो आपको हेल्प करता है कि आपके जो एक्सपेंसेस या नीड्स या वांट्स हैं उनमें आप अपना पैसा कैसे एलोकेट करोगे, उसे हम बोलते हैं जीरो वेस्ट बजट। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है? परफॉर्मेंस बजटिंग इज अ सिस्टम दैट यूजेस परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन फॉर द एलोकेशन। परफॉर्मेंस बजट एक ऐसा सिस्टम है जो यूज किया जाता है किसके लिए? परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन को एलोकेट करने के लिए। स्पेंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको स्पेंड करने में और मैनेजमेंट करने के लिए हम परफॉर्मेंस बजटिंग का यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट को फॉर्मुलेट करो। दूसरा है आइडेंटिफाई वेरियस प्रोसेस एंड प्लान्स, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस एंड प्लान्स को आइडेंटिफाई करना। तीसरा है एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस एंड प्लान्स, मतलब कि जो प्रोसेस एंड प्लान्स है उनको एवेल्युएट करना, उनका सिलेक्शन करना। चौथा है डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, मतलब कि जो आपकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उसको क्या करना? डेवलप करना। स्टेप फाइव है फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग को आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है असेसिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को असेस करने में और करेक्टिंग डेविएशन, जो आपकी डेविएशंस आ रही हैं, कमियां आ रही हैं, उसको करेक्ट करने में। अब बात करते हैं सिक्स की, तो है ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट क्या होता है? ओवरहेड बजट इज प्रिपेयर टू फोरकास्ट एंड प्रेजेंट ऑल द एक्सपेक्टेड कॉस्ट कंसर्निंग मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स दैट द कंपनी एक्सपेक्ट टू इनकर इन द नेक्स्ट ईयर। ओवरहेड बजट वो इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि फोरकास्ट कर सके, ठीक है, और प्रेजेंट कर सके ऑल द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट एक्सपेक्ट की है आपने इतना होने वाली है, किस पे? मैन्युफैक्चरिंग किसकी? गुड्स की, जो कंपनी आने वाले साल में इनकर करने वाली है। ठीक है, मतलब कि आने वाले साल में कितनी कॉस्ट आपको लगने वाली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की करने में, उसको क्या करता है? ये प्रेजेंट करता है, फोरकास्ट करता है। कौन? ओवरहेड बजट। अब बात करते हैं वेरियंस क्या होता है। व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट इट इज कॉल्ड वेरियंस,
जब एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से डिफर करती है। मान लो कि आपने कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट बना रखी है कि मैं इस कॉस्ट पर अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा, आपने बना ली कि मुझे ये प्रोडक्ट 5 रुपये में बनाना, लेकिन आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 6 रुपये आ गई, तो वेरियंस कितना, 1 रुपये का आ गया। इसे हम बोलते हैं वेरियंस। क्लासिफिकेशन इसका है डायरेक्ट मटेरियल वेरियंस, डायरेक्ट लेबर वेरियंस, मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल की वजह से जो वेरियंस आया है, लेबर की वजह से वेरियंस आया है, ओवरहेड की वजह से वेरियंस आया, सेल्स की वजह से वेरियंस आया है, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियंस है। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द मूवमेंट इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल इनपुट ऑफ मनी। हम पहली पढ़ चुके मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, ठीक है। पहले मैं और भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा चुका हूं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। जैसे मान लो कि आपने कोई एक और यूनिट किसी भी चीज़ की एक और यूनिट बनाई है, ठीक है, तो उसमें जो कॉस्ट लगी एक्स्ट्रा कॉस्ट उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। किसी एक एडिशनल यूनिट किसी भी प्रोडक्ट आउटपुट की बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल अकॉर्डिंग रेफर्स टू, या तो इसे आप मार्जिनल कॉस्टिंग इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं या मैनेजरियल अकाउंटिंग कह सकते हैं, वो रेफर्स करता है इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में इंक्रीज करना है डिक्रीज करना किसके, प्रोडक्शन के में, ड्यू टू अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट। आपने क्या किया कि आउटपुट की क्वांटिटी चेंज की है, उसकी वजह से जो आपकी टोटल कॉस्ट आई प्रोडक्शन की उसमें इंक्रीज और डिक्रीज, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। लिमिटेशंस क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग के, देख लेते हैं। पहला है इनकरेक्ट अजम्पशन फॉर क्लासिफाइंग ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करने के लिए जो आपके अजम्पशन है वो कैसे रहते हैं, इनकरेक्ट रहते हैं। दूसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट गिव ड्यू अटेंशन टू द टाइम फैक्टर, ये टाइम फैक्टर को ज़्यादा अटेंशन नहीं देती। तीसरा है नॉट एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज, हर एक इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं होता। चौथा है लैक ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। पांचवा है लिमिटेड आउटपुट, और आउटपुट कैसा होता है, लिमिटेड होता है। अब बात करते हैं फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, मतलब मशीनरी को हम रिप्लेसमेंट करते हैं, अगर मशीनरी को हम रिप्लेस करते हैं, एक पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लाते हैं, तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या है। पहला है डिप्रिसिएशन, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन की वजह से इसे डिओट्रिएशन भी बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत डिप्रिसिएशन लिखा है क्योंकि ये सिंपल है आपको समझने के लिए, ठीक है। दूसरा है टेक्नोलॉजी इज प्रोग्रेसिंग फास्ट, जो टेक्नोलॉजी वो कैसी हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है फास्ट। न्यूअर एंड बेटर इक्विपमेंट आर बीइंग डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस एवरी ईयर, मतलब नए और अच्छे इक्विपमेंट हर साल क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं और प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तीसरा है वर्किंग कंडीशंस, मतलब कि कंपनी की वर्किंग, मतलब मशीन की वर्किंग कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। चौथा है हाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, मशीन आपकी बहुत पुरानी होगी, उसको रिपेयर करने में और उसके मेंटेनेंस में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपने क्या सोचा कि इसको रिप्लेस करके नई मशीन ले लेते हैं। अगला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इज अ कॉस्टिंग मेथड दैट आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग मेथड जो क्या करता है कि जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको आइडेंटिफाई करता है एंड असाइन द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, और हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट को असाइन करता है कि किस एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट लग रही है, टू ऑल प्रोडक्ट्स, हर एक प्रोडक्ट की, एंड ऑल सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल कंजप्शन ऑफ बाई ईच, मतलब कि हर एक एक्टिविटी कितनी कंजप्शन कर रही है कॉस्ट की, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट को असाइन करता है और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही है उनको आइडेंटिफाई करता है कौन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये क्या होता है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ एडिंग अप ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन असेट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल कॉस्ट टू इट एंड ऑफ लाइफ। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या करता है, एक मेथड है जिससे कि आप सारी कॉस्ट को ऐड करते हो जो एक असेट को उसकी इनिशियल कॉस्ट से लेकर उसकी एंड ऑफ लाइफ तक उस पर आती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने असेट खरीदा, तो उसको खरीदने तक लेकर आपने उसकी मेंटेनेंस कराई, सारी चीज़ को लेकर जो भी आप जब तक उसको बेच नहीं देते, उसकी एंड नहीं है लाइफ की, तब तक आप क्या करते हो उसकी कॉस्ट को ऐड करते हो, उसे बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं कैजन कॉस्टिंग, कैजन कॉस्टिंग क्या होती है। कैजन कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट इनकर्ड ओवर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज विच डज नॉट एड एनी वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। कैजर कॉस्टिंग क्या होता है, एक टेक्निक्स है किसको कंट्रोल करने को, किसकी कॉस्ट को जो इनकर्ड हुई है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, या रिसोर्स की वजह से, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू नहीं आई, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो अनप्रोडक्टिव, जो प्रोडक्शन के लिए मतलब प्रोडक्टिव नहीं है, और ऐसे रिसोर्सेज जो प्रोडक्टिव नहीं है उनकी वजह से जो कॉस्ट लगती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं कैजर कॉस्टिंग। जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉयज है, अब बीच में वो टाइम पास कर रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, या फिर उससे कोई वैल्यू उसको ऐड नहीं हो रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी, कैजर कॉस्टिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं बैक प्लस कॉस्टिंग क्या होता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग है
सिस्टम जनरली यूज इन अ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन अकाउंटिंग मेथड, ये अकाउंटिंग मेथड है दैट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग अ गुड, जो रिकॉर्ड करता है कॉस्ट किससे, एक गुड को प्रोड्यूस करने तक और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने तक, ओनली आफ्टर दे आर प्रोड्यूस्ड। मतलब वो रिकॉर्ड करता है कॉस्ट कब, जब वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो जाए, कंप्लीट हो जाए या सोल्ड हो जाए, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करता है, उसे हम बोलते हैं बैक प्लस कॉस्टिंग। मतलब कि आप पीछे जाकर कॉस्टिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट की, ठीक है। जस्ट इन टाइम क्या होता है, ये एक ऐसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है मेथड है जिसमें गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर ओनली एज दे आर नीडेड। मतलब गुड्स तभी रिसीव की जाती है सप्लायर से जब उनकी नीड होती है। दिस ये सारा कुछ था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बता दिया थ्योरी का। या अगर आप थ्योरी का इतना कर लेते हो आपके लिए सफिशियंट है, इसके अलावा आपको थ्योरी नहीं करनी है, लेकिन न्यूमेरिकल फोकस करना क्योंकि इसमें थ्योरी कम है। आप भी देख रहे हो सिर्फ जस्ट 25 पेजेस हैं इसमें, तो थ्योरी कम है, तो आपको जो और आपके जो मतलब न्यूमेरिकल्स में फोकस करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम्स के लिए, टेक केयर, थैंक यू।